सब कुछ रेडी हो चुका है इस रूम में, सिर्फ ये जो वॉल देख रहे हो यहाँ पर फ्रेम आनी है, बेबी की फोटो फ्रेम होगी जो अभी न्यूबॉर्न फोटो शूट कर आया है वो रेडी होकर के आएगी, तो वो प्लेस करना है। और इधर वाली वॉल पर एक शेल्फ लगाऊंगी जिसपे मुझे स्टार लाइट और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं बेबी की डेकोरेशन वाली वो रखूंगी। बस ये दो चीज यहाँ पे बाकी है, और यहाँ का जो मिरर है पहले वाला ये हटाना है, उसके बाद मेरा नर्सरी हो जाएगा कंप्लीट। बहुत टाइम ले लिया इस नर्सरी वाले वीडियो ने, लेकिन पहले वहां थे अब यहाँ है, बेबी तो एंजॉय कर रही है। यहाँ उसकी क्रेब है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, ये दिखा, ये देखो, ये उसकी क्रेब है और वो यहाँ भी सो रही है। तो मैंने सोचा यार एक बार सब कुछ रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, टूर कराती हूँ, बताती हूँ एक चीज, क्योंकि जब सब कुछ रेडी हो जाता है ना उसके बाद बताओ दिखाओ तो मजा भी आता है, आधी अधूरी चीज मुझे पसंद भी नहीं है बताना भी और देखना भी। तो जल्दी से मिलते हैं फिर नर्सरी टूर वाले वीडियो के साथ, और अभी आप इंजॉय करो ये ब्लॉग। खा लो इसको बेबी, वाओ What do you want? What do you want? टमालू टमालू, चल कपड़े निकालो। डायपर भूल गई लाना, बेबीज को नहाने के बाद में जब आप लोशन वगैरह लगाते हो या क्रीम लगाते हो उसके बाद हल्का सा एक्सरसाइज करा दो ना हाथों और पैर के, तो उन्हें बड़ा मज़ा आ जाता है, आराम मिल जाता है और चिड़चिड़ नहीं करते हैं, बेबी क्रैंकी नहीं होते हैं। ये सब मैंने ट्राई किया है और बिलीव मी इट वर्क्स। हो दिखा दिखा,
ओके सो अभी हम बेबी का 3 मंथ्स वाला फोटोशूट करने जा रहे हैं घर पे। एवरी मंथ हम ये करते हैं। वैसे न्यूबॉर्न वाला फोटोशूट तो हमने ऑलरेडी करा रखा था, लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से आप खुद से बेबी का फोटोशूट कर सकते हो अगर आप एक्सपेंसिव फोटोशूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कोको जा 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 हाँ 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 मैं लूंगी आगे जाओ। ये थैंक यू हैव अ प्लीजेंट राइड। अनिका लुक एट मी देखो वाह वेरी नाइस कम ऑन यस लिफ्ट अप करो सुनो तो यस पता है अभी भी 3 मंथ्स की हो गए हो हाँ कोई तो 3 मंथ्स का आ गया, बड़ा आ गया मेरा बेबी, बड़ा आ गया है। देखो चिकू अपने क्रिब में बहुत एंजॉय करती है, उसको मज़ा आ जाता है। हमने उसका क्रिब यहाँ पे सेट कर रखा है, उसको बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पे। और अभी ये जो है कॉट मोबाइल, इसको यहाँ पे लगा दूँगी ऐसे। अभी ये उस साइड में था, इस साइड में शिफ्ट किया है, तो ये लगा दूंगी तो ये अच्छे से चलेगा। मैं इसको लगा देती हूँ ऐसे, एक हाथ से बनी नहीं रहा है। मैं इसको लगाती हूँ ऐसे बन नहीं रहा, ये लगा दूंगी तो इसको ऐसे देखती रहती है, ये घूमता रहता है यहाँ पे और ये देखती रहती है इसको ऐसे 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 ऐसे। देखो मतलब ये देखो ये देखो she's following। गाइस तो मैं नहा करके आ गई, शैम्पू करके और घर की साफ सफाई सब हो गई है, पूजा बाकी है। पहले मैंने सोचा था कि सुबह पूजा कर लूँगी, आज एक्चुअली नवरात्रि का पहला दिन है और मैं वैसे तो मैं फास्ट नहीं रखती हूँ और अभी तो रख भी नहीं पाऊँगी, तो पहले और आखिरी दिन मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। बाकी नॉर्मल पूजा लाइक पूजा तो रोज ही होती है तो वो करती हूँ, और अष्टमी या नवमी के दिन मैं कन्या खिलाऊँगी तो उस दिन पूरा हवन वगैरह सब कुछ करूँगी। और उसके बाद फिर अभी तो देवी जी को मैंने स्थापित भी नहीं किया है, पूजा का उधर बाहर कुछ भी डेकोरेट नहीं किया, सब करूँगी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत थक गई है सब करते करते, क्लीनिंग करते ही थक गई मैं।
वो भी चिकू यही सो रही है सामने, और अनिका गई है नहाने। वो नहा चुकी थी मॉर्निंग में, लेकिन उसने फिर तेल वेल लगवा लिया था। आज आंटी आई थी हमारी, मालिश वाली आंटी आई थी, तो मैंने भी लगवाया तेल, मसाज करवाया चीकू का भी और अनिका का, सबका हो गया। बहुत थकान हो रही थी यार, इतने दिन से 4-5 दिन से नहीं आए थे। देखो आपको पता है मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। ओह माय गॉड। ऐसा बोलते हैं कि जब बेबी यानी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो बोलना शुरू करता, नहीं ऊ आ करके बोलते हैं ना बच्चे, करके बोलते हैं ना, उसके बाद से मम्मी का जो हेयर फॉल है, माँ का जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, दिखा 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 दिखा। सो अभी तक हेयर फॉल नहीं हो रहा, तो मैं बची हुई थी, पूरी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, डिलीवरी के बाद भी नहीं हुआ इधर। और अभी परसों मैंने नोटिस किया, थोड़े से बाल थे बेड पे, कल नोटिस किया फ्लोर पे भी दिख रहे थे बाल, और आज तो लाइक मालिश के बाद बाल और ऐसे शैम्पू। ये देखो, ओ गॉड क्या हो रहा है। अब मैं बहुत डर गई हूँ मेरे बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। ये दिन हर माँ की लाइफ में आता ही आता है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है कि अच्छे से जम के ऑयलिंग करो, हेल्दी फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, और कोकोनट वाटर पीना ज़रूर, उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड ऑल्सो अपने बाल का ना जूड़ा बना करके रखो जितना हो सके, स्ट्रेटनिंग अवॉइड करो, ड्राई करना अवॉइड करो, ये सब चीज़ों से, हीट से बाल और जल्दी डैमेज होते हैं, वैसे ही टूट रहे हैं और झड़ झड़ के ख़त्म हो जाएंगे, टकलू हो जाओगे, इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करो। मैं भी वही करूँगी, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। हेयर कट करवा लूँगी, अभी मैं जाके कुछ दिन और रुकूंगी, फिर हेयर कट करवा लूँगी, एक शूट है एक्चुअली, वो शूट कंप्लीट होती है, मैं हेयर कट करवा के छोटे बाल करा लूँगी, ना रहेंगे बाल ना बचेगी बांसुरी। एनी वेज, लेट्स टॉक अबाउट नवरात्रि। आज पहला दिन है, माता रानी का दिन है। जय माता दी। माता रानी आप हमारे ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर कृपा करें, बच्चों के ऊपर कृपा करें, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर कृपा करिए, सबको सुखी रखिए, हंसता खेलता रखिए, और बस हंसते खेलते हम एंजॉय करते रहेंगे। आप भी इंजॉय कर रहे होगे ना हमारे ब्लॉग्स एंड वीडियोज, बताना ज़रूर। सो एनी वेज, ये ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, आई डोंट नो, ये जो टाइम है ना, ये टाइम आई वुड नो ये ब्लॉग कब आएगा। चलो जाती हूँ, बताती हूँ फिर आज क्या क्या करने वाली हूँ। वैसे आज जो वाइट डे है, मैंने रेड पहन लिया है। अब वाइट जो आउटफिट मेरे पास था ना, वो मुझे आ नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने ये पहना। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर की डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, तो ये सोच करके मैंने पहन लिया है। और एक ड्रेस है मेरे पास, अब कुर्ता वगैरह तो है नहीं, और साड़ी के लिए ब्लाउज नहीं है, फंस गए क्या करें। तो एक ब्लाउज़ मैंने ऑर्डर किया है, वो 3-4 दिन में आएगा, तो मैं उसे नवमी के दिन पहनूंगी ऐसा मैंने सोचा है। तो वो टॉप पहन लूँगी अभी मैं पूजा के टाइम पर, और चुन्नी ले लूँगी, तो हो गया, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, मुझे ना अपने ऊपर ही हंसी आती है। मेरे जब से ना मैं इस बार की जो प्रेगनेंसी मेरी आई ना, मतलब लिटरली ना शॉपिंग करने का मन करता था, ना ही कुछ देखने का मन करता, ना कुछ लेने का मन करता था, कहीं जाओ भी ना तो मैं शॉप के सामने से सोचते खड़ी रहती थी क्या लूँ, मतलब तो कुछ चाहिए तो था लेकिन क्या लूँ, ऐसा हो गया था। और अब लाइक अब ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें भी नहीं खरीदी मेरे लिए, और सब फेस्टिवल जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और बहुत सारे हॉल हैं, वीडियो हैं, शॉपिंग हॉल हैं, स्टाइलिंग के अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे मेरे दूसरे चैनल पर, आभा जसवाल चैनल पर। तो फैशन टिप्स एंड स्टाइलिंग टिप्स के लिए आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी समवेयर इसी चैनल पे कहीं मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, ढूंढ लेना, तो सब्सक्राइब कर लेना। और गिव देम, पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया।
अभी रात के 2 बज गए हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है, इनको मेरे मम्मा के पास आना है, इनको मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही। यहाँ सोओगी? यहाँ सो जल्दी, लेट जाओ, सब किस के लेट जाओ। यहाँ ये है बैकग्राउंड जहाँ पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ।